हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मोडी। मैं हूँ परी और आज की रेसिपी है मज़ेदार कॉर्न की रसेदार सब्ज़ी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। मसाला कॉर्न की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो किसी भी तेल के साथ बना सकते हैं, आप इसे घी के साथ भी बना सकते हैं। और हमने आधा चम्मच यहाँ पे मेथी के दाने लिए हैं और एक हरी मिर्च लिया है। यहाँ पे हमने एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच धनिया लिया है, काली मिर्च ले लिया है, तेज पत्ता लिया है, लहसुन लिया है 2-4 कलियाँ और हमने यहाँ पर तेज पत्ता लिया है और एक लाल मिर्च लिया है, दालचीनी लिया है और बड़ी इलायची लिया है। इन सारे मसालों को एक साथ में हम फ्राई कर लेंगे और इन्हीं के साथ में भी हमें एक टमाटर को भी कट करके ले लिया है। अब सारे मसालों को एक साथ में हमें फ्राई कर लेना है। छोटा पीस अदरक ले लिया है, अदरक को भी हमें साथ में फ्राई कर लेना है। ये हमने 2-4 काजू लिए हैं और 2-4 बादाम लिए हैं। इन सभी को एक साथ में मसालों के साथ में ही हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मसाले हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा और हमें इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जब भी मसालों को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छे से फ्राई कर लें। तो मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इन सभी मसालों को हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए हम जा रहे हैं इन्हें पेस्ट बना लेते हैं। तो जब तक हमारा पेस्ट बन रहा है हम यहाँ पे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसमें आधे चम्मच के बराबर हमने इसमें हींग डाला है। अब यहाँ पे तेज़पत्ता ले लेंगे और इन सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किया हुआ हमें कॉर्न डाल लेना है। कॉर्न को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे 2 मिनट तक हमें फ्राई करते रहना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो देख सकते हैं आप कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गया है। अब कॉर्न को थोड़ी देर और हम फ्राई कर लेंगे। अब चलिए इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो जो हमने मसाले को पेस्ट बना लिया है, मसाले हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो देखिए हमने मसाले को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब मसालों को भी अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो कॉर्न के साथ हमें मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो मसालों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छी वाली खुशबू ना आने लगे। तब तक हमें मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेते हैं। तो हमने एक टमाटर को छोटे पीस में कट कर लिया है। अब टमाटर को भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे 2 छोटा चम्मच नमक ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्दी डाला है। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो गया और इसमें से बहुत ही अच्छी वाली खुशबू भी आ रही है।
अब मसालों को थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप इसमें पानी ऐड कर लें। तो हमने लगभग यहाँ पे एक ग्लास के बराबर पानी ऐड किया है, और पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। गर्म पानी जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें। इससे क्या होता है, सब्ज़ी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे हल्का गर्म पानी ऐड किया है एक ग्लास। अब इसे हम ढक देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से पकने देंगे। तो लगभग हमें 2 मिनट तक सब्ज़ी को पकने देना है, और गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें सब्जी को 2 मिनट के लिए पकने देना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम कटे हुए धनिया ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हैं सब्ज़ी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे राइस के साथ, पुलाव के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को प्लीज़ आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।